बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इफ इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी हो देन प्रूव दैट 3a प्लस 7b डिवाइड बाय 3a माइनस 7b इक्वल टू 3c प्लस 7d डिवाइड बाय 3c माइनस 7d। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप जो है साथ साथ बताता जाऊंगा। So, मेरे पास है, हम लिखेंगे गिवन दैट हमारे पास गिवन क्या है, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। इसको मैं अगर डिवाइड के फॉर्म में लिख लूं तो मेरे पास आएगा ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। अब यहां पे चूंकि मैंने प्रूव करना है इस ए डिवाइड बाय बी इक्वल टू C डिवाइड बाई डी से, मैंने क्या प्रूव करना है कि 3a प्लस 7b डिवाइड बाई 3a माइनस 7b इक्वल टू 3c प्लस 7d डिवाइड बाई 3c माइनस 7d। सो थोड़ा सा जो है एक यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इस अगर हम यहाँ पे देख ले तो a के साथ जो है क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 7। ठीक है, यानी न्यूमिरेटर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या चीज 7। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड पे चेक करें तो सी के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और डी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 7। सो अगर मैं क्या कर लूं कि चूंकि यहां पे जो है ऊपर 3 मल्टीप्लाई हुआ है और नीचे जो है क्या मल्टीप्लाई हुआ है 7। सो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय Both sides by 3 upon 7। देखो मुझे कैसे पता चला कि 3 upon 7, मैंने आपके साथ ही शेयर कर लिया, मैंने आपको समझा दिया कि 3 upon 7 के साथ हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो है बेसिकली यहां पे जो है क्या है कि 3 के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 7। So, मुझे यहाँ पे जो है ए के साथ 3 एंड बी के साथ 7 चाहिए। ठीक है, अच्छा क्यों चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास ये होंगे तो उसके बाद फिर मैं कंपोनेंट डू एंड डिविडेंड डू थ्योरम अप्लाई कर लूंगा जिससे मेरे पास ये चीज प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा, लेट्स सी। सो मेरे पास होगा 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन बी इक्वल टू सी ए प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 7। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर लिया 3 अपॉन 7 से और राइट हैंड साइड को भी मैंने 3 अपॉन 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो मेरे पास आएगा 3a डिवाइड बाय 7b इक्वल टू, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय सी जो है वो 3c डिवाइड बाय डी मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7d। अब आप थोड़ा सा सिर्फ देख लिए यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे चाहिए क्या चीज, 3a प्लस 7b। ठीक है, 3a जो है मेरे पास न्यूमिरेटर है और 7b मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर है, तो मुझे ये ऊपर चाहिए। इसी तरह जो है राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो मेरे पास है 3c प्लस 7d, तो मुझे बेसिकली जो डिनोमिनेटर है ये कहाँ पे चाहिए, ऊपर न्यूमिरेटर में। तो ये कौन सा थ्योरम है, ये कंपोनेंटिव थ्योरम है। इसी तरह मुझे नीचे क्या चाहिए, 3a माइनस 7b यानी न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और यहां पे राइट हैंड साइड में चेक करें तो क्या है, न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, तो बेसिकली मुझे न्यूमिरेटर यहां पे क्या चाहिए, माइनस करना होगा। सो ये क्या, ये कौन सा थ्योरम है, ये डिविडेंडू थ्योरम है। कंबाइन करके ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास बन रहा है कंपोनेंडू एंड डिविडेंडू थ्योरम। तो मैं देखूंगा यहां पे बाय यूजिंग या बाय कंपोनेंडू एंड डिविडेंडू थ्योरम। ठीक है, कंपोनेंडू एंड डिविडेंडू थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो कंपोनेंडू का मतलब यह है कि 3a प्लस 7b ऊपर आएगा और डिविडेंडू कह रहे कि 3a माइनस 7b जो है वो नीचे आएगा। इसी तरह कंपोनेंडू राइट हैंड साइड के बारे में क्या कहता है कि 3c प्लस 7d ऊपर आ जाएगा और नीचे जो है हमारे पास आएगा 3c माइनस
7d, 3c माइनस 7d, ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास प्रूफ हो गया। सो हम लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड।